हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे स्पेस लेडीज या क्रिस्टल लेडीज क्या होती है। आज इसके बारे में हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है। स्पेस लेडीज, क्रिस्टल लेडीज, यूनिट सेल और लाइटिस पॉइंट, ये सारे वर्ड जो होते हैं कंफ्यूजन वाले। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्रिस्टल लेडीज और स्पेस लेडीज होते क्या है। एक सिंपल एग्जाम्पल देंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल एग्जाम्पल क्या आता है, तो क्रिस्टल लेडीज या स्पेस लेडीज किसते हैं किसको, तो स्पेस लेडीज या क्रिस्टल लेडीज। तो हम लोग जानते हैं कि जिसे भी हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कोई भी डायमेंशन, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक आपका आता है जेड एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल, थ्री डी, इसको बोलते हैं हम लोग थ्री डी। तो अगर हम लोग ध्यान रखना कि अगर इसमें जो होते हैं स्पेस लैटिस क्या होता है, तो जब एटम को सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट करते हैं और उसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। ये समझ में नहीं आया होगा, एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको घर बनाना है, क्या करना है, घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए दीवार तैयार करना है, हम लोग को थ्री डी दीवार करना है, हम लोग थ्री डी घर बनाने जा रहे हैं। तो थ्री डी घर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दीवार तैयार करना पड़ेगा। तो दीवार में क्या करेगा, ईंट से दीवार तैयार करोगे, हम लोग ईंट से दीवार को तैयार करेंगे। तो बहुत सारा ईंट को सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल के मतलब होता है ऊपर नीचे बाहर और कुछ नहीं, एकदम ऐसा एक समान, सिमेट्रिकल के मतलब होता है एक समान ईंट को अरेंज करेंगे और अरेंज ऐसा करेंगे ताकि ये पूरा दीवार बन जाएगा, ये पूरा आपका दीवार बन गया, ठीक है। अब ये दीवार बन गया, ये थ्री डी में अरेंज हो गया। तो देखो, तो ईंट का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल में किए, तो ईंट का अरेंजमेंट थ्री डायमेंशनल में किए और सिमेट्रिकल किए। अब कोई भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स को थ्री डायमेंशनल में अरेंज कैसे करेंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। तो यहां पे डेफिनेशन जो होगा, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, डेफिनेशन लिखना थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम और आयन इनसाइड द क्रिस्टल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो सिंपल याद रखना कि अगर कोई घर बनाते हैं, उस घर में हम लोग ईंट जोड़ जोड़ के पूरा घर बनाते हैं, तो घर का बनावट कैसा होगा, घर को कैसे बनाएंगे थ्री डी में, उसी को सजावट, अगर हम लोग ईंट को धीरे धीरे सजा करके पूरा दीवार बनाएंगे तो दीवार कैसे सजाएंगे, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। समझ में आ रहा है। तो स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस के बाद आता है आपका यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या होता है, तो यहां पे देख सकते हैं हम लोग यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। तो यूनिट सेल जो होता है ना, तो ये जो हम लोग दीवार तैयार किए, पूरा क्रिस्टल तैयार किए, तो कैसे तैयार किया, या इसका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, दीवार का सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में थ्री डी में, उसी बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। लेकिन इस दीवार, इस क्रिस्टल का सबसे छोटा इकाई, इस दीवार का सबसे छोटा इकाई क्या आपका ईंट है, इस दीवार का छोटा इकाई क्या आपका ईंट है, इस ईंट का नाम क्या हो जाएगा आपका यूनिट सेल। मतलब स्पेस लैटिस में जो छोटा इकाई होगा उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिट सेल। समझ में आ गया। तो इस पूरा दीवार का जो छोटा ईंट है उसका नाम हो जाएगा आपका यूनिट सेल। अब हम नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट सेल के बाद, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट, अब लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, तो यूनिट सेल का जो पोजिशन होता है, यूनिट सेल जहां पे रहता है, जैसे मान के एक ईंट है, इस ईंट जिस जगह पे रहेगा, इस जगह का नाम आपका क्या है, लैटिस पॉइंट। थ्री वर्ड हम लोग जानेंगे, स्पेस क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, दोनों एक ही वर्ड है, दूसरा आया यूनिट सेल और ये आपका लैटिस पॉइंट। तो याद रखना क्रिस्टल लैटिस किसको बोला जाता है, तो एटम का या आयन या मॉलिक्यूल का थ्री डायमेंशनल में सिमेट्रिकल सजाना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब कतब पूरा क्रिस्टल तैयार हो गया, तो क्रिस्टल तैयार होने के बाद जो छोटा इकाई होगा उस इकाई का नाम हो जाएगा यूनिट सेल। उसके बाद ये लैटिस पॉइंट क्या कहेगा, तो लैटिस पॉइंट किसको बोलते हैं, मतलब क्या होता है, जो यूनिट सेल सबसे छोटा इकाई जिस पोजीशन पे रहेगा, उस पोजीशन का नाम हो जाएगा, उस जगह का नाम हो जाएगा लैटिस पॉइंट। ये तीनों का डिफाइन करते हैं हम लोग, फर्स्ट नंबर हम लोग देख सकते हैं। तो चलो देखेंगे फर्स्ट नंबर क्या क्या होता है, तीनों के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग देखें कि स्पेस लैटिस क्या होता है या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, सबसे सामने हम लोग डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। तो डिफाइन होता है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आप रख सकते हो। दूसरा आपका आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल हम वो क्या बोले थे, जो सबसे छोटा इकाई होता है,
क्रिस्टलाइटिस का सबसे छोटा इकाई बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब होता है अब यूनिट सेल जहां पे रहता है, जिस पोजीशन में रखते रहता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइटिस पॉइंट। ये तीनों चीज हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ये तीन वर्ड जान चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से एक बार सिंपल याद, अगर कोई घर बना रहे हैं हम लोग थ्री डायमेंशन में, तो घर का बनावट कैसा होगा, कैसे बनाएंगे थ्री डायमेंशन में घर, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। दूसरा वर्ड है कि उस घर में जो ईंट से बनाए हैं घर, तो ईंट है पूरा घर का छोटा इकाई, और ईंट का नाम हो जाएगा यूनिट सेल, और ईंट का पोजीशन जहां पे रहेगा उस पोजीशन का नाम हो जाएगा आपका लैटिस पॉइंट। समझ